मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। क्योंकि वो जितना अपने बाबूजी से डरते हैं उतना हमें भी चाहते हैं। बाप से डरती है और पति से प्यार करती है। ये बेचारी प्रीति तुम्हारे लिए एक हुकुम का इक्का है। मैं उनसे डरता हूँ गीता, लेकिन मैं उनकी इज्जत भी करता हूँ। वो मेरे बाबूजी हैं। मैं बहुत जल्द आपके पास आऊंगी, अपना ख्याल रखिए। जब तक तलाक नहीं हो जाता और प्रीति की दोबारा शादी नहीं हो जाती, तब तक वो इसी घर में रहेगी। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं। हम मतलब कौन? हम आपकी धर्मपत्नी। गीता, तुम आखिर मेरी याद आ ही गई तुम्हें? मेरे बिना तुम्हारा वक्त नहीं कटता होगा, है ना? जी। शर्मा गई तुम? आपने कैसे जाना? मैं देखे बिना तुम्हारी हर बात जान लेता हूँ मैं। अच्छा, तो ये बताइए कि इस वक्त हम कहाँ से बोल रहे हैं? तुम मेरे दिल से बोल रही हो। दिल से नहीं, हम आपके घर के गेट के बाहर से बोल रहे हैं। गेट से? क्या बात कर रही हो? बाबूजी ने देख लिया तो? आज हमारे घर पर कोई नहीं है। आज का दिन हम आपके साथ गुजारना चाहते हैं। तुम्हारे घर सिर्फ आप और हम चलेंगे ना? हाँ हाँ, तुम्हारी कोई बात कभी मैंने मना की है जो आज करूंगा? बाहर आ रहा हूँ मैं अभी, तुम जाना मत। हम आपको लिए बिना कहाँ जाएंगे, जल्दी आइए। मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। बाहर से फोन क्यों किया, अंदर क्यों नहीं आई? आप वाकई बहुत बोले। जिस घर से हमें निकाल दिया गया हो, हम वहां वापस कैसे लौट सकते हैं? इसलिए हम आपको अपने घर ले। हाँ, जो शेयर्स की पेमेंट अगले हफ्ते तो हो जाएगी। अच्छा, वो जो एसपीके के शेयर्स थे उन्हें मार्केट में उतार दो, और मुझे इस बात की कंफर्म न्यूज चाहिए कि एमटीएनएल न्यूयॉर्क मार्केट में लॉन्च हुआ या नहीं। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। अरे प्रीति, तुम आओ ना। आपसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था, इसलिए चलिए। अच्छा किया, बैठो बैठो ना। आपने कहा था कि बाबूजी से बात करना, तो मैंने उनसे बात की और उन्होंने साफ कह दिया कि मैं उस घर में नहीं रह सकती जहां सुमित्रा देवी रहती हैं। तुम्हारी जिंदगी के फैसले आखिर कब तक करते रहेंगे? क्या तुम्हें अपने फैसले लेने का अधिकार अब तक नहीं है? अगर तुम लौट के आना चाहती हो मेरे पास, अपने पति के पास, तो कैसे रोक सकते हैं वो तुम्हें? सच पूछिए तो मैं भी उस घर में नहीं रहना चाहती जहां सुमित्रा देवी रहती है। ठीक है, हम कोई दूसरा घर ले लेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लग जाएगा, और तब तक तुम अपने बाबूजी के पास रहो, ये नहीं हो सकता। तो फिर आप आकर बाबूजी को मनाइए और उनसे ये भी कहिए कि हम कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, आऊंगा मैं। आप आज ही आइए, और जब आप आएंगे तो मैं फौरन आपके साथ निकल चलूंगी।
ठीक है बाबा, आज ही आऊंगा और तुम्हें अपने साथ घर ले चलूंगा। कितने बजे आएंगे? 6 बजे। देर मत कीजिएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। खाना पसंद आया आपको? बहुत स्वादिष्ट है, पेट भर गया लेकिन नियत नहीं भरी। थोड़ी और सब्जी दो ना। पता है खाने में इतना स्वाद क्यों है? क्योंकि पहली बार तुमने इतने प्यार से मेरे लिए खाना बनाया है। अगर प्यार से अपने हाथों से खाना खिला दोगी तो इस खाने में और शक्कर पड़ जाएगी। हमेशा इसी तरह रहना मेरे साथ। हम तो रहेंगे लेकिन आपका क्या भरोसा? क्यों? बाबूजी की एक आवाज सुनकर आप कमरा छोड़कर भाग जाएंगे, हमारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। अगर तुम इसी तरह प्यार मोहब्बत से रही मेरे साथ तो मैं सिर्फ तुम्हें देखूंगा और किसी को नहीं। आप सिर्फ हमारे हैं ना? हाँ, जितनी तुम मेरी हो उतना ही मैं तुम्हारा हूँ। प्रीति कहाँ गई थी तुम? मम्मी मैं उनके ऑफिस गई थी। क्यों? उनसे कहने कि वो आकर बाबूजी से मिले और मुझे यहाँ से ले जाए। प्रीति तुझे पता है तेरे बाबूजी तुझे वहां नहीं जाने देंगे, फिर क्यों गई थी उनसे कहने? अगर बाबूजी मुझे वहां नहीं जाने देंगे तो क्या मैं सारी जिंदगी यही रहूंगी? मम्मी मुझे बहुत चाहते हैं, मैं भी उनसे दूर नहीं रह सकती। मैं समझती हूँ बेटा, लेकिन तेरे बाबूजी को ये बात कौन समझाएगा? चलो मान लो वो विजय को माफ कर दे, लेकिन वो औरत जो उस घर में रहती है उसका क्या? मम्मी उन्होंने खुद होकर मुझसे कहा है कि हम बहुत जल्द किसी दूसरे घर में रहने चले जाएंगे और वो आज शाम को 6 बजे आ रहे हैं। तुम बाबूजी से कहना कि वो मुझे उनके साथ जाने दे, कहोगी ना? मम्मी कहोगी ना? ठीक है कहूंगी, लेकिन उनका जवाब क्या होगा ये मुझे भी पता है और तुझे भी। आज पूरा दिन कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। आप हमारी एक बात मानेंगे? मेरी क्या मजाल कि मैं इनकार करूं, बोलो क्या है। आज रात यहीं रुक जाते हैं, खाना खाएंगे, ड्राइव पर जाएंगे और फिर यहीं आकर सो जाएंगे। खाना भी खाएंगे, ड्राइव पर भी जाएंगे, लेकिन उसके बाद अपने घर पर जाकर सोए तो कैसा रहे? नहीं प्लीज, यहीं सोएंगे हमारी खातिर। आज रात अगर यहाँ रुक जाएं, तो घर वापस चलोगी कल? कल के बारे में कल सोचेंगे? नहीं गीता, कल के बारे में आज और अभी सोचेंगे। तुम घर कब चल रही हो इसका जवाब मुझे अभी चाहिए। लेकिन हमने तो अभी फैसला नहीं किया। फैसला करने में मदद करूं तुम्हारी? वो कैसे? तुम अभी चल रही हो मेरे साथ, अगर तुमने इनकार किया तो इसके बाद मैं तुम्हें मिलने नहीं आऊंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता गीता? मैं सीधा साधा जरूर हूं लेकिन बेवकूफ नहीं हूं। आज तुम मेरे पे इतनी मेहरबान क्यों थी इसकी वजह क्या मैं नहीं जानता? तुमने तो सुबह से ही तय कर रखा था कि आज रात को मुझे यही रोकोगी। अगर तुमने यह सोच रखा है कि मुझे भला फुसला कर बाबूजी के खिलाफ करोगी तो ऐसा कभी नहीं होगा। अब मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, तुम इसी वक्त मेरे साथ घर चल रही हो। 5 मिनट में तैयार हो जाओ वरना मैं जा रहा हूं।
प्रीति, इतनी तैयारियां मत कर। तेरे बाबूजी ने अगर तुझे जाने नहीं दिया तो बेटा बहुत मायूसी होगी। मम्मी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबूजी मान जाएंगे। ये जब उनसे कहेंगे ना कि हम अलग मकान लेकर रहेंगे, तब तो बाबूजी जरूर मान जाएंगे। मम्मी, वो आ गए। भाभी को वापस ले आया मैं। बाबूजी कहाँ हैं? सुनिए, गीता आई है। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है बाबूजी। हम आपसे माफी मांगने आए हैं, हमें माफ कर दीजिए। गलती का एहसास हो गया है। शक्ल से जाहिर तो होने जाता कि शर्मिंदा है। क्या सोच कर रोता है? बाबूजी कुछ बोले नहीं, लेकिन इसका बुरा मत मानना। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो माफ कर देंगे तुझे। मुस्कुरा क्यों रही हो? कुछ नहीं। बोलो ना। हम सिर्फ आपकी खातिर वापस आए। बाबूजी समझते हैं कि आज वो जीत गए, हम हार गए। लेकिन हम जानते हैं आज जीतने की बारी उनकी थी, कल हमारी होगी। विजय, विजय फोन उठा लो। तुम नहीं उठा सकती क्या? ये जरूर तुम्हारी दुल्हन का फोन है। इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? आजमा के देखो। हेलो, मैं बोल रही। हाँ बोलो। आपने आने का वादा किया था ना, आए क्यों नहीं आप? प्रीति, मैं सोच रहा हूँ कि मेरा वहाँ आना ठीक रहेगा या नहीं। तुम्हारे बाबूजी फिर मेरे साथ बहस करेंगे, फिर मेरा अपमान करेंगे। आप उन्हें बाजाब कहते हैं ना, उन्होंने गुस्से में कुछ कह दिया तो आपको इतना बुरा लग गया? अगर आप यहाँ नहीं आएंगे तो मैं घर कैसे लौटूंगी? अगर तुम्हें लौटना ही है तो अकेले नहीं लौट सकती क्या? मेरे वहाँ आने की क्या जरूरत है? अगर अकेली आ सकती तो एक सेकंड में वहाँ आ जाती, लेकिन एक तरफ आप हैं और दूसरी तरफ बाबूजी, दोनों ही अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। तुम भी तो जिद कर रही हो। तुम क्या चाहती हो? मैं वहां आकर तुम्हारे बाबूजी के सामने गिड़गिड़ाऊं और वो बार बार मुझे शर्मिंदा करें?
बातें कर रहे हैं आप? ऑफिस में तो आपका रवैया कुछ और ही था, और अब किसी ने भड़काया तो नहीं आपको मेरे खिलाफ? मैं तुम्हारी तरह ना समझ नहीं हूं जो किसी के बहकावे में आ जाऊं, और खबरदार दोबारा ऐसी बात की तो। ठीक है, कुछ नहीं कहूंगी मैं, और आज के बाद तो कुछ भी नहीं कहूंगी। अच्छा किया जो तुमने खरी खरी सुना दी, अब जो तुम चाहो वो वही करेंगे। मोम की गुड़िया को जो भी शक्ल देना चाहो दे सकते। कैसे पता वो तुझे लेने आया है? बाबूजी, मैंने उन्हें फोन किया था, आप प्लीज उन पर गुस्सा मत होइए। वो क्या कहना चाहते हैं पहले सुन तो लीजिए। अच्छा, अब मुझे तेरी सलाह लेनी पड़ेगी कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना? मेरी क्या जरूरत जो मैं आपको सलाह दूं? मैं आपसे विनती कर रही हूं बाबूजी, प्लीज। चाहते हो यहां क्यों आए हो? तुम्हारे बाबूजी से मिलने आया हूं। बाबूजी से मिलने आए हो या हमें लूटने? 22 लाख खाकर जी नहीं भरा आपका? बड़ी बदतमीजी से बात कर रहे हो अपने जीजा से। आपके जैसा 420 आदमी हमारा जीजा कहलाने के लायक नहीं है। तो चुप क्यों खड़ा है, कुछ बोलता क्यों नहीं? जो आदमी अपनी गलती पे इतनी बेशर्मी से मुस्कुरा रहा हो उसे कुछ कहने से क्या फायदा? तू चुप रह सकता है लेकिन मैं नहीं। मेरा दिल करता है कि इनके खिलाफ अदालत में मुकदमा ठोक दूं, अंदर बैठकर चक्की पीसेंगे तब मैं इन्हें देखकर हंसूंगा। शराब कहेगा जेब में थैला नहीं और भक्का करो तो क्यों का? क्या बकवास कर रहे हैं तू? चुप रह। किसका पहरा है? लहरों को किसने बांधा है? किरण पे किसका पहरा है?